करियो इतनी मुझे आपके बालों की शिकायतें आती हैं ना कि फातिमा के बाल ठीक नहीं है। फातिमा के बाल इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ना ही ये पोनी करने देती है और जैसे ही इसे पोनी कराती हूँ ये दो मिनट बाद वैसे उसे खोल देती है। सुबह तो नहीं 11-12 का टाइम है लेकिन चूल्हा कुछ इस तरह से बिजी होता है। इधर मैं ये डोली रोटी फ्राई करूँगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती थी और ये है डोली रोटी का आटा। तो ये मैंने रात में ही गूंद के रखा था क्योंकि इसे खमीर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने चने की दाल, बड़ी इलायची, सौंफ और दालचीनी, उसका पानी बना के इसको मैंने गूंदा था। इसमें थोड़ा सा घी, चीनी और दही उसके साथ ये गूंदा है। इसमें खमीर मैंने नहीं डाला लेकिन देखें बहुत अच्छा इसे खमीर आ गया। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आज बहुत चाय के लिए कुछ चीज़ें बनानी है तो इस वजह से खाने में फिर इतनी ज़्यादा कुछ मतलब मुश्किल चीज़ नहीं बनाऊँगी। इस वजह से दाल बनाई है और उधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है, दूध अभी आया है। ये भी अगर थोड़ी देर, क्योंकि हब्स इतनी ज़्यादा है, ये भी अगर थोड़ी देर रखा तो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से चूल्हा अभी मैंने जो रेस्ट दिया था आटे को तो मैं इसे बना के दो रोटियां मैं चेक कर लूँगी। एक तो इसका खमीर चेक कर लूँगी, दूसरा इसका मीठा चेक कर लूँगी और तीसरा मतलब ये ठीक तरह से खमीर इसने पकड़ ली, ये नरम बनती हैं या सख्त बनती हैं। तो इसको चेक करने के लिए मुझे एक दो डोली रोटी ट्राई करूँगी मैं। सबसे पहले मैं उन्हें फ्राई करूँगी, देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो फ्राई किया है, देखने में तो नरम लग रही है लेकिन मीठा मुझे चेक करना है कि इसका मीठा कैसा है। मीठा इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये है खशखास और इसको धोना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है और मिट्टी के छोटे छोटे कंकर होते हैं और छोटे छोटे इसके ज़रात होते हैं। तो ये धोना इसको बहुत ही ज़रूरी है और इतनी बारीक छलनी हो कि ये पास भी ना हो और धुल भी जाए। तो इसे मैंने इसमें अच्छे से धोया है, फिर हल्का सा इसे बाहर रखे है, ये हो गया है ड्राई। तो अभी मैं, क्योंकि ये जो है ना इस रोटी की ये खासियत है कि इसमें ये ज़रूर होती है मुल्तानी रोटी। ये हमारे मुल्तान की ख़ास रोटी है, ये यहाँ की मशहूर रोटी है, ऐसे बनती है। तो ये मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ और ये काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी। तो अभी ये आज मैंने ये बनाई है ये रेसिपी। इसमें तो इसकी जो खासियत है वो खशखाश है और मुझे खशखाश बहुत पसंद है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगाऊंगी। बाज़ार में तो बहुत कम लगा के देते हैं क्योंकि ये है कि बाज़ार वाले तो बस फिर चलाने वाला चलाऊ काम करते हैं तो वो बहुत कम लगाते हैं। तो मेरी भी बहुत अच्छी बनी थी, फूली थी। तो अभी फ़िलहाल मैं इन सब को कर लूँगी फ्राई और रख दूँगी इन्हें साइड पर। इन सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया क्योंकि ये मीठी हैं और नरम हैं और ये काफ़ी दिन तक चलती हैं, इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। तो इन्हें इसे मैं हॉट पॉट में डाल के थोड़ा दबा के रख दूँगी क्योंकि अभी ये गरम गरम है, थोड़ा दबा के रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल सख्त ना हो, नरम नरम हो। तो जैसे ही मैं इनको इसमें रखूँगी दबा के तो ये नरम हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल सारी जो मैंने वो फ्राई कर, बस अभी मैंने साइड पर कर दूँगी। ये तो काम मेरा हो गया फ़ाइनल, अब मैं करूँगी दूसरा काम। इसके साथ साथ क्योंकि मुझे घर का खाना भी पकाना था तो मैंने वही आपको उस बताया कि दाल बनाई है और दाल के साथ अम्मी को भी रोटी दी है, फातिमा भी खा लेती है रोटी। तो अभी ये इनको खाना दे के वापस मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं अभी बनाऊँगी समोसों के लिए, छोटे समोसे बनाने हैं तो ये उनके लिए मैंने लिया है मैदा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप जितना मैदा और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल
दो चम्मच जितना ऑयल डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच इसमें चीनी डालूंगी, और तकरीबन एक चुटकी मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैंने थोड़े से ले लिए हैं सफ़ेद ज़ीरा, वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको मैं हल्के से पानी से गूंदूंगी, क्योंकि हल्का गर्म जो पानी होता है उससे मैं गूंद लूंगी इसको, इसको बिल्कुल अच्छे से गूंदूंगी ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ना रहे, और जो मेरा आटा है समोसों के लिए वो बिल्कुल स्मूथ सा बने। तो इसको गूंद के इसको साइड पे करके फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे आटा मेरा गूंद गया है, तकरीबन नरम हो गया है, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको साइड पे कर दूँगी, और साथ साथ मैं काउंटर में साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि छोटा है तो दो तीन चीज़ें बनाते हुए बहुत तंगी होती है, ये कि एक चीज़ बना लेती हूँ फिर उसकी मुकम्मल सफ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद दूसरी शुरू करती हूँ। तो आलू मैंने जो थोड़े से बॉयल किए थे उन वो बॉयल हो गए हैं, उन्हें मैंने उतार लिया है। उसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, एक चम्मच आधा चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक, थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है, उबला हुआ चिकन डाला है। आटा मेरा अब तकरीबन सेट हो गया है, तो इसके मैं बना लूँगी छोटे छोटे से पेड़े। तो इसको अभी मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको आपके सामने बनाती हूँ। छोटी छोटी मैंने इसके बनाने हैं समोसे। और अभी ये जो मेरे आलू वाले समोसे हैं ये तकरीबन मेरे हो गए हैं फाइनल। अभी इन्हें फ्राई करके मैं साइड पे कर दूंगी। अब मेरी तीसरी जो है सैंडविचेस वाली रेसिपी उसको मैं फ़ाइनल कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें, मेरे पास बटर इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और दो चम्मच मैंने डाले हैं इसमें मैदे के। दो चम्मच काफ़ी रहते हैं, पिछली बार मैंने तीन का बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था, ज़्यादा हो गया था, लेकिन यह है कि दो चम्मच मुझे मेरे तो ख्याल में दो काफ़ी रहते हैं। तो दो चम्मच मैंने डाले हैं इसमें मैदे के, और अभी मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी जिसे अच्छे से मैंने भूना है। उसके बाद मैंने तकरीबन एक कप जितना इसमें डाला है दूध, और उसमें डाल दूँगी अब मैं नमक, थोड़ी सी चीनी डालूँगी, और थोड़ा सा मैं एक चम्मच में डालूंगी लाल मिर्च और उबला हुआ चिकन और कैरेट।
अच्छा जी, ये मेरे तकरीबन जो है सैंडविचेस, वेज चिकन सैंडविचेस कह लें, तो ये तकरीबन मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें मायो डाला है और फिर इसमें जो बैटर मैंने बनाया है वो मैंने इस पे डाल दिया है, और कोई केचप, कोई ज़्यादा इतना मक्खन और कुछ चीज़ वगैरह इसमें कुछ नहीं डालूँगी। ये ऐसे ही मज़ेदार बन गए हैं, तो अभी इनको कर दूँगी फाइनल, इनको रख दूँगी साइड पे, और इसके बाद मैं कर लूँगी अपनी तीसरी जो चीज़ मैं बनाऊँगी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मेरे हो गए हैं साइड पे, और अभी मैं कर लेती हूँ चिकन चीज़ी टिक्का बोटी की तैयारी। मैंने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, लेमन, टिक्का मसाला डाल के इसे मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था, और जो उसने पानी छोड़ा है बस मैं उसी में ही इसे पकाऊंगी, और इसका कोई ख़दशा नहीं रहना चाहिए कि ये बोटी इसकी गली नहीं है। तो फ़िलहाल इसकी सारी बोटियाँ गल जाएंगी अच्छे से, और मसाला जो है वो इसमें अच्छे से रच गया है, उसको सिर्फ भूनूंगी उसके उसी ही पानी में, ये नरम हो जाएंगे, और मैं फिर एंड में सिर्फ इसमें डालूँगी केचप, चिली गार्लिक केचप, और चिली गार्लिक केचप डाल के इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि जो केचप है वो बोटियों के साथ अच्छे से लग जाए, अलग अलग ना हो। अभी इसको निकाल लूँगी एक बाउल में, और चीज़ जो मैंने अलग से काट के रखी है थोड़ी सी छोटी छोटी बारीक करके रखी है, तो इसके ऊपर मैं इसे डाल दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो बोटी है वो गर्म है, तो जैसे ही चीज़ डालूँगी ना वो उस पर पिघल के मेल्ट होने लग जाएगी और वो बोटियों के साथ लग जाएगी। अभी इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दूँगी, और चिप्स एंड का होता है चिप्स, तो चिप्स तो लाजमी है टी पार्टी में या टी के साथ या जो भी है, तो बच्चों के लिए चिप्स तो लाजमन है। तो मेरे तो घर वैसे भी मेरी छोटी बच्ची है और फातिमा इतने शौक से खाती है कि मैं इसे, पर मैं ख़ुद फिर बनाती ही बड़े शौक से, क्योंकि जो बच्चे शौक से जो चीज़ खाते हैं फिर माएँ वो शौक से वो चीज़ बनाती हैं। तो मैं ये अभी एंड में बना लूँगी चिप्स, और साथ में मैं चाय भी मैंने चढ़ा दी है, तो ये मेरी हो गई है कंप्लीट। अभी साथ में मेरी चाय भी बन गई है और मेरा आज का काम हो गया है कंप्लीट, और यकीन माने इसमें इतनी देर लगी है, मेरा तकरीबन सारा दिन लगा है, और खाने में मैंने आज सिर्फ दाल बनाई है, पतली सी दाल बनाई और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इस पे ही मेरा तकरीबन पूरा दिन लग गया। मैं एक बड़ी दावत जब करती हूँ मेरा तब भी इतना, इससे कम टाइम लगता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं बन जाती हैं, छोटी 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 चीज़ों ने ना बस मत मार दी है, तो ये चीज़ें मेरा बहुत टाइम ले गई। आज तकरीबन सारा दिन ही मैं, लेकिन बाद में देखी तो टेबल पे सिर्फ चार पांच चीज़ें, मुझे इतना मन किया यार सारा दिन लग गया और है एंड में यही चीज़ें, चलो कोई नहीं अच्छी बन जाए बस यही काफ़ी होता है।
अभी बच्चे चले गए और मैं आई हूँ कमरे में और मैंने कुछ चीज़ें समेटनी है, और अगर कुछ दिल हुआ तो साथ में खा भी लूँगी, क्योंकि उस टाइम बस मैंने चखा था, मैंने खाया कुछ नहीं, थकावट से जाके थोड़ी देर में स्टोर रूम में लेट गई थी। तो अभी आई हूँ और मैंने ये इसमें लाइव ही बोली हूँ, लेकिन वो ऊपर पंखा चल रहा था, मुझे याद नहीं रहा पंखा बंद करना, क्योंकि शदीद गर्मी है, पंखे के अलावा नहीं बैठा जाता। तो अभी जब मैंने सुना तो काफ़ी पंखे की आवाज़ थी और मेरी आवाज़ काफ़ी दब चुकी थी, और माइक मैंने लगाया नहीं था, मैं भूल गई थी। तो फिर मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ गया, और अभी मैं यहाँ से सामान सारा उठाती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। और वीडियो मेरी पसंद आए, रेसिपीज़ मेरी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा, और इंस्टा पे मेरा शो हो जाता है आईडी, आप मैसेज करें तो इंशाल्लाह जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप खैर कर देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।